हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन टेक्निकल एंड बिजनेस प्रमोशन ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ गूगल डेटा स्टूडियो का, जिसमें कि हम बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट ए इंटरेक्टिव डैशबोर्ड। अब फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि हम किस तरीके से डैशबोर्ड बना सकते हैं। इससे पहले मैं 3 या 4 वीडियो आपके लिए बना के दे चुका हूँ, ट्यूटोरियल दे चुका हूँ। आप प्लीज पहले उन्हें देखें, इस वीडियो को देखने से पहले, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि डैशबोर्ड और इंटरेक्टिव डैशबोर्ड का क्या मीनिंग है। वैसे मैं आपको ये क्लियर भी करूंगा। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ऊपर आइकन में भी मैंने अपना लिंक दे रखा है, और आप इस यूट्यूब के लिंक को क्लिक करके भी मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं और वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी जो यूएसपी है इस चैनल की, वो है कि हम थ्योरेटिकल कम प्रैक्टिकल ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रैक्टिकल। देखिए, मैंने गूगल डेटा स्टूडियो का एक अकाउंट खोला हुआ है, जिस अकाउंट से हम अक्सर मैं आपके साथ शेयर करता हूं, सारे जो भी डैशबोर्ड है इस पे बनाता हूं। अगर आपको याद हो तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में ये एक डैशबोर्ड बनाया था, चार्ट डेटा स्टूडियो डैशबोर्ड। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं, आप शायद रिकॉग्नाइज कर पाए अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है। नहीं देखी है तो देखने के बाद आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। तो ये एक हमने डैशबोर्ड बनाया था, जिसमें कि हमने बहुत सारी चीजें ली थी, कई तरीके के चार्ट लिए थे। ठीक है, कोशिश की थी कि इसे हम एक अच्छा सा डैशबोर्ड बनाएं। अब ये डैशबोर्ड तो बन गया फ्रेंड्स। होता क्या है, अब कि यहां से मैंने कोई भी डेट रेंज इसकी सिलेक्ट कर ली। ठीक है, मान लीजिए कि मैं इसे 1 नवंबर से लेके और 2 जनवरी तक का सिलेक्ट करके अप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए, इसमें सारा डेटा चेंज होगा, चाहे आपकी सेशन की बात हो, या पेज व्यू की बात हो, या आपके ये जो ट्रैफिक सोर्स है इसकी बात हो, या सोर्सेज है इसकी बात हो, सारा कुछ हुआ, पेज टाइटल, सब चीज चेंज हुई अगर आपने अभी ये डेटा देखा। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंटरेक्टिव डेटा क्या होता है। तो फ्रेंड्स, बहुत आसान है, एक छोटा सा टॉपिक है आज का, ये छोटा सा चेंज है, सिर्फ जिसे पता होता है उसके लिए कुछ नहीं है, नहीं पता है तो बहुत कुछ है। तो अब मैं पहले आपको ये बता रहा हूं कि इंटरेक्टिव का मतलब क्या है। अब देखिए, मैंने जब डेट रेंज यहां से चेंज की तो आपकी ये सारा जो डेटा था, मैट्रिक्स जो भी थी, वो सारी चेंज हुई। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं ये देखना चाहता हूं कि केवल ये जो 45% है मेरा डायरेक्ट ट्रैफिक है। तो अगर मैं यहां क्लिक करूं डायरेक्ट पे, तो इससे डायरेक्ट से रिलेटेड हमारे कितने सेशन है, कितने पेज व्यू है, और कितने सेशन यहाँ पे हमारे डायरेक्ट से रिलेटेड है, कौन कौन से पेज टाइटल हैं, पेज कौन कौन से आए हैं डायरेक्ट से, उसके केवल मेरे पास टाइटल आए, उसके पेज व्यू आए, या फिर ये जो सेशन का है डेट वाइज या मंथ वाइज, यहाँ पे हमें उसका पूरा डेटा दिखाई दे। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इस तरीके से इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बन जाए, या डायनेमिक डैशबोर्ड बन जाए, कि मैं क्लिक करूं इस तरीके से और मुझे यहाँ आ जाए। मैं यहाँ क्लिक करूं अगर मुझे इसे बनाना है तो, कि भाई गूगल से हमारा, जैसे ये गूगल से है, कितने सेशन आए, 130 सेशन आए। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो ये 130 सेशन ही मुझे यहाँ दिखने चाहिए, इससे कितने पेज व्यू क्रिएट हुए और इससे कितने टाइटल बने। तो इसका मतलब होता है इंटरेक्टिव डैशबोर्ड, या आप इसे कह सकते हैं डायनेमिक डैशबोर्ड। तो आइए मैं आपको सिखाता हूं, एक छोटी सी ट्रिक है, आपको इस डैशबोर्ड को एडिट करना है। एडिट करने के बाद आप देखेंगे इधर जहां पे हम चेंज करते हैं एक पैनल आता है। मैं देखिए इस पाई चार्ट को ले लेता हूं, इस पे क्लिक करने के बाद आप देखिए डेटा में देखेंगे, आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करके एक देखिए इंटरेक्शंस आता है, आपको बहुत क्लियर हो रहा होगा, ये देखिए इंटरेक्शंस। यहां पे दो चीज आ रही है, एक तो अप्लाई फिल्टर और एक इनेबल सॉर्टिंग। ठीक है, तो इनेबल सॉर्टिंग मैंने पहले से टिक कर रखा है, अप्लाई फिल्टर आपको टिक कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अप्लाई फिल्टर टिक किया मैंने किसके लिए, इस वाले पर्टिकुलर के लिए, और मैंने क्या किया, इसको व्यू मोड में चेक किया। ठीक है फ्रेंड्स, व्यू मोड में मैं गया, व्यू मोड में जाने के बाद देखिए, जैसा मैं कह रहा था कि अगर मैं यहां क्लिक करूं तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट पे क्लिक कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, चेंज देखना क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। देखिए, डायरेक्ट जैसे ही किया, ऊपर जो सोर्सेज थे केवल मेरा डायरेक्ट रह गया, 55 सेशन हो गए, यहाँ पे 55 सेशन हो गए, 61 पेज व्यू हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए पेज टाइटल हमारे बदल गए, कि डायरेक्ट से जो जो आए हैं वही सारे होंगे यहाँ पे, अगर ये टोटल काउंट करोगे तो 51 होंगे। और इसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे ये लोकेशंस, ठीक है, यूएस से है, ठीक है फ्रेंड्स, चाइना से है, जो भी जहां जिस जिस हमारे ज्योग्राफिकल लोकेशन से ये डेटा आया है वो दे रहा है। अच्छा, अब मैं इस पे दोबारा डबल क्लिक कर देता हूं
देखिए बैक टू में नॉर्मल कंडीशन आ गया, 124 मेरा दिख रहा था। अब मैं कहता हूं कि ये मेरा गूगल का ट्रैफिक है, अब मैं इसे चेक करता हूं, ठीक है 38.7%। इसमें हमने देखा, देखिए इसमें अगेन देखिए 48 सेशन हो गए, 112 पेज व्यू हो गए। यहाँ सिर्फ अब आपको गूगल का ट्रैफिक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देखिए डे टू डे आपको जो ट्रैफिक दिखाई दे रहा है कैसे जा रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे तो देखिए सबसे ज्यादा इंडिया से सेशन बने हुए हैं गूगल के, इसके बाद पेज टाइटल और पेज व्यू। तो अब आसानी से आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे, कोई सा भी ट्रैफिक देखेंगे तो यहां से इसको डायनामिक बना दिया, इंटरेक्टिव बना दिया। अच्छा इसकी जरूरत क्यों पड़ती है फ्रेंड्स, अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो छोटा सा चेंज था और इससे हमें क्या सीखने को मिला। इससे ये होता है जब फ्रेंड्स हम इस तरीके के चार्ट या इस तरीके के डैशबोर्ड हम अपने मैनेजर को, अपने बिजनेस हेड को या अपने क्लाइंट को शेयर करते हैं तो उनकी ये डैशबोर्ड देख के इच्छा होती है कि अच्छा ठीक है यार सारा डेटा मुझे दिखाई तो दे रहा है लेकिन मैं ये कैसे समझूं कि मुझे गूगल से कितने आए। अब इस तरीके का हर एक डेटा हमें चार्ट में दिखाना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि लिमिटेड स्पेस होता है, लिमिटेड स्लाइड्स होती हैं। ऐसा नहीं हमने 50 स्लाइड्स बना दी सारा डेटा यहां दे दिया तो हमारा फिर विजुअलाइजेशन का कोई फायदा नहीं होता है। तो इसलिए हमें इस तरीके के इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाने से ये फायदा होता है कि यूजर सेम पॉइंट पे सेम डैशबोर्ड पे क्लिक करके अपने इच्छा के अनुसार डेटा को देख सकता है। सिमिलरली मान के चलिए ये है, ठीक है इसको मैं दोबारा से एडिट करता हूँ, एक इसका भी दिखाता हूँ आपको, बार चार्ट का भी करके दिखाता हूँ। इस ग्राफ पे हम जाते हैं, ठीक है अगेन सेम एक्टिविटी करेंगे, डेटा पे जाएंगे, यहां जाके हम अप्लाई फिल्टर कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, और इसको अगेन व्यू करेंगे। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं आप कहीं से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। अब यहां हम डायरेक्ट और हमने गूगल देखा था, अब हम ये यूट्यूब करते हैं। यहां मैंने क्लिक किया, देखिए 124 और 216 था, जैसे ही मैंने यूट्यूब क्लिक किया देखिए यहां पे 100% youtube.com हो गया, 8 सेशन बने हैं, 26 पेज व्यू हुए हैं। देखिए ये भी हमारा पेज व्यू कम हो गए, ठीक है पेज व्यू 26 है, अगर आप ये काउंट करेंगे 26 पेज व्यू आएंगे, लोकेशंस आपको ज्योग्राफिकल लोकेशंस भी आपको मिल गई। तो इस तरीके से आप किसी भी अपने चार्ट को इंटरेक्टिव बना सकते हैं, किसी भी डैशबोर्ड को इंटरेक्टिव बना सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अपना डैशबोर्ड जब भी बनाओ तो उसे इंटरेक्टिव ही बनाओ, ठीक है। इससे आगे भी हम अभी और डैशबोर्ड बनाएंगे जो कि जिसमें कि हम बहुत सारे विजुअलाइजेशंस का यूज करेंगे और उन सारे विजुअलाइजेशंस को हम इस तरीके से इंटरेक्टिव बनाएंगे कि एक ही स्लाइड में एक ही पेज में हम सारा डेटा इंक्लूड करते हैं और यूजर जो चाहे वो डेटा आसानी से यहाँ पे देख पाए। तो फ्रेंड्स यही फायदा होता है इस तरीके के डैशबोर्ड का, इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाने का, डेटा स्टूडियो में बनाएं या आप किसी और टूल में बनाएं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके डे टू डे एक्टिविटी में जब आप डैशबोर्ड बना रहे हैं और आपको डेटा अंडरस्टैंडिंग में बड़ी हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको पसंद आएगी। आपकी कोई भी क्वेरी कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और आप मेरी वेबसाइट comfortseo.com को भी विजिट कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।